डीपी, सो डीपी बेसिकली एक यूनिट है जो कि अपने हमें डायमेंशंस को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। डीपी का बेसिक फुल फॉर्म होता है डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता इस पर्टिकुलर टॉपिक में, क्योंकि थोड़ा ये मुझे लगता है ये बिगनर स्पेसिफिक नहीं है। थोड़ी सी आपको हार्डवेयर की नॉलेज होना ज़रूरी है समझने के लिए कि डीपी होता क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि ये थोड़ा सा पिक्सल रिलेटेड चीज़ें हैं कि 160 डीपीआई के हिसाब से कैसे एक पिक्सल डिफाइन होता है। तो आपको समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि दो यूनिट है बेसिकली, एक डीपी और एक एसपी। सो जब भी हम कोई टेक्स्ट डिफाइन करते हैं कि कोई फॉन्ट साइज़ है, तो जब हम कोई फॉन्ट डिफाइन करते हैं तब हम एसपी यूज़ करते हैं और बाकी सारी चीज़ों के लिए डीपी यूज़ करते हैं। डिफरेंस सिंपल है कि जब आप कोई एसपी यूज़ करोगे तो जो भी टेक्स्ट है वो स्केलेबल होता है। तो यानी कि अगर आप सपोज करो कि आपने कोई टेक्स्ट लिखा और उसकी जो साइज़ है, फॉन्ट की साइज़ है, उसको रख दिया 12 SP, तो अब उससे होगा ये कि सपोज़ किसी कोई अगर जाता है अपने सिस्टम सेटिंग्स में और जाकर अपने फॉन्ट की साइज़ को बढ़ाकर स्मॉल से लार्ज कर देता है, सो वो जो साइज़ है टेक्स्ट का वो भी इंक्रीज़ होगा। बट अगर आप उसको रखते हो 12 DP, तो वो साइज़ इंक्रीज़ नहीं होगी, वो उतनी ही रहेगी। वो मतलब आपके सिस्टम के साइज़ के हिसाब से वो स्केल नहीं होगी। सो बेसिकली डिफरेंस ये है कि डीपी जो है वो स्केलेबल नहीं होती है, स्केल नहीं करती है, बट जो एसपी है वो स्केल करती है। सो इसलिए जहाँ पर भी अब हम कहीं पर टेक्स्ट को साइज़ देंगे, कोई टेक्स्ट की साइज़ देंगे, तब एसपी यूज़ करेंगे और बाकी सारी चीज़ों के लिए डीपी यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम और भी कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ कर इस पर काम करते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि बटन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है फिलहाल, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एक टेक्स्ट दे सकते हैं बटन में, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट एसपी का भी। तो पहले हम लिखते हैं टेक्स्ट, और उसको टेक्स्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से ऐड। तो आप जैसे ही लिखोगे तो आपको यहाँ पे एक ऐड दिखाई देगा वाइट कलर में। तो इसकी हाइट अगर बढ़ानी है या इसकी साइज़ बढ़ानी है सॉरी टेक्स्ट की, तो आपको यूज़ करना होगा टेक्स्ट साइज़। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये 16 SP लिखते हैं, तो आप देख सकते हो कि साइज़ बढ़ गई। अब इसे और बढ़ाओगे 24, ये तो और साइज़ बढ़ जाएगी। तो हम इसे यहाँ पर रखते हैं 16 SP, जो मुझे सही लग रहा है। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने SP यूज़ किया है और बाकी सारी जगह DP यूज़ किया। अगर आप यहाँ पर DP लिखोगे तो आपको शायद से एक वार्निंग मिलेगी। हाँ, देख सकते हो यहाँ पर लिखा है कि शुड यूज़ SP इंस्टेड ऑफ DP फॉर टेक्स्ट साइजेस। सो ये एक कॉमन सी चीज़ है कि जब भी आप टेक्स्ट की साइज़ दो तो SP यूज़ करो और बाकी सारी चीज़ों के लिए DP यूज़ करो, क्योंकि आपको टेक्स्ट को स्केलेबल बनाना होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई सपोज़ किसी ने सिस्टम में जाकर अपने टेक्स्ट की साइज़ को बढ़ाकर लार्ज कर दिया तो और वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हुई हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अपने टेक्स्ट की साइज़ को अलग अलग रखते हैं। तो हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि ये ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोगों को छोटी चीज़ें दिखाई नहीं देती, छोटे टेक्स्ट दिखाई नहीं देते, इसलिए वो सिस्टम सेटिंग्स में अपने फॉन्ट के साइज़ को काफ़ी बड़ा रखते हैं। तो ये चीज़, ये ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए, इसलिए इसे SP रखते हैं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस एडिट इनपुट फील्ड में एक हिंट डालेंगे ताकि यूज़र को समझ में आए कि यहाँ पर एंटर करना क्या है एक्चुअली। सो आपने देखा होगा काफ़ी जगह इनपुट फील्ड में एक ग्रेश टेक्स्ट होता है पहले से, जो कि हट जाता है जब आप कुछ उसमें इनपुट करते हो। तो वो जो ग्रेश टेक्स्ट होता है, टेम्प्रेरी टेक्स्ट होता है, उसे हिंट बोलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो सिंपल होता है, सिंपल सी चीज़ है, आपको लिखना है हिंट, और हम यहाँ पर हिंट लिखते हैं कि ऐड योर कोट। तो आप देख सकते हो कि अब एक बहुत ही लाइट कलर का एक टेक्स्ट आ चुका है। सो ये जो टेक्स्ट है ये परमानेंट नहीं है, जैसे ही आप यहाँ पर कुछ लिखना शुरू करोगे सो ये टेक्स्ट हट जाएगा। तो ये दो चीज़ें, दो कंपोनेंट्स रेडी हो चुके हैं, एक तो इनपुट फील्ड, एक बटन। अब हमें क्या करना है कि हमें सोचना है कि जब आप एंटर करोगे तो ये चीज़ें दिखाई कहाँ देंगी। मेरे डिज़ाइन के हिसाब से वो सारी चीज़ें, ये जो बाकी की स्पेस अवेलेबल है उसमें एक लिस्ट जैसी दिखाई देनी चाहिए कि अब जब भी कोई नया कोट ऐड कर रहे हो सो एक आइटम आ जाए यहाँ पे कि हाँ ये कोट है, और एक ऑप्शन हो जाए कि मुझे उस कोट को शेयर करना है। तो दो चीज़ें होनी चाहिए। तो अब हम आगे उस पर काम करेंगे।